हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। IRDA ने सरल जीवन बीमा लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और ये लॉन्च होगा 1 जनवरी 2021 से। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरल जीवन बीमा क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन इसको ले सकते हैं, ये प्लान क्यों आ रहा है, और तमाम सवाल आपके मन में इस समय चल रहे होंगे। सबके आंसर आपको हम इस वीडियो में अभी तुरंत देने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सरल जीवन बीमा के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, हाल फिलहाल के सालों में लोगों का टर्म इंश्योरेंस के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है, लेकिन जीवन बीमा एक ऐसी चीज़ है कि एक आम आदमी उसको अच्छे से समझ नहीं पाता है। IRDA ने सरल जीवन बीमा लॉन्च करने की घोषणा की है। कोशिश ये की है कि टर्म इंश्योरेंस आसानी से सभी को समझ में आ जाए। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान होगा जिसका नाम होगा सरल जीवन बीमा। अगर LIC इसको सेल करेगी तो LIC सरल जीवन बीमा होगा। अगर HDFC लाइफ इसको सेल करेगी तो HDFC लाइफ सरल जीवन बीमा होगा। अगर बिरला सन लाइफ इसको सेल करेगी तो बिरला सन लाइफ सरल जीवन बीमा जैसे नाम इसके हो सकते हैं। यानी कि सरल जीवन बीमा हमेशा रहेगा, उसके आगे कंपनी का नाम रहेगा और प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा। कंडीशन सारे कंपनियों के लिए सेम रहेंगे और इसमें एक सबसे खास बात यह है कि इसमें सुसाइड के अलावा कोई भी बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये एक प्योर रिस्क प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और इसके अलावा ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं, ये टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ दिक्कत ये हो रही थी कि 25 लाख से कम का टर्म इंश्योरेंस बहुत सी कंपनियों के पास नहीं था, तो लोगों को ज़रूरत मान लीजिए 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के रिस्क कवर की है, लेकिन उन्हें 25 लाख से ही रिस्क कवर लेना पड़ता था, उससे कम उनको मिलता नहीं था। इवन LIC में भी 25 लाख से कम का कोई रिस्क कवर वाला प्लान नहीं है। तो IRDA का कोशिश ये है कि लोगों को जिनको 25 लाख से कम का रिस्क कवर चाहिए उनके लिए भी प्लान हो और एक स्टैंडर्ड प्लान हो। पॉलिसी 18 से 65 साल तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। 5 से 40 साल का आप टर्म ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल है। बीमा कम से कम 5 लाख का होगा और मैक्सिमम 25 लाख का होगा। 50,000 के मल्टीपल पे आप ये प्लान ले सकते हैं, यानी कि 5 लाख, 50,000, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, ऐसा करते करते 25 लाख तक का प्लान आप ले सकते हैं। इवन कोई बीमा कंपनी अगर चाहे तो 25 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड का भी प्लान डिज़ाइन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा प्रीमियम कैसे देंगे? आप रेगुलर प्रीमियम देंगे, यानी अगर मान लीजिए आपने 40 साल का टर्म लिया तो आप 40 साल तक प्रीमियम दीजिए, या आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। 5 साल और 10 साल प्रीमियम देकर भी आप चाहे तो इस पॉलिसी को लंबे समय का रिस्क कवर का आनंद उठा सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी इस प्लान में उपलब्ध है, यानी एक बार में पैसा जमा करिए और पूरे टर्म में टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लीजिए। इसके अलावा अगर आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली प्रीमियम आप दे सकते हैं। आपको ध्यान होगा मैक्सिमम कंपनीज में टर्म इंश्योरेंस में मंथली प्रीमियम देने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इस प्लान में IRDA ने कहा है कि आप मंथली प्रीमियम भी दे सकते हैं। यही नहीं, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन उपलब्ध है जैसा आपको बताया गया। अगर आप एक बार में ही देकर अपना सारे जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम दीजिए और पूरे टर्म में टर्म इंश्योरेंस का आनंद प्राप्त करिए। मैच्योरिटी मिलती नहीं है, आप जानते हैं टर्म इंश्योरेंस में। और डेथ बेनिफिट क्या है? नॉर्मली सम एश्योर्ड के बराबर पैसा आपको जरूर मिलेगा आपके नॉमिनी को आपके ना रहने पे। तो बेसिकली डेथ बेनिफिट ये है। और अगर बात करें वेटिंग पीरियड की तो देखिए, आपने पॉलिसी ली, 45 डेज के अंदर अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के बराबर पैसा मिलेगा दुर्घटना से। लेकिन अगर 45 डेज के अंदर नॉर्मल किसी की डेथ होती है तो पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी नॉर्मल डेथ की जो रिस्क कवर है वो बीमा लेने के 45 डेज के वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होगा।
आम शब्दों में अगर नॉर्मल डेथ होती है तो रिस्क कवर 45 डेज के बाद शुरू होगा, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो रिस्क कवर पॉलिसी लेने के दिन से शुरू हो जाएगा। अगर किसी की डेथ 45 डेज के अंदर नॉर्मल डेथ से हो जाती है तो टैक्सेस को छोड़ के बाकी सारा प्रीमियम भी बीमा कंपनी को वापस करना होगा नॉमिनी को। और ये प्लान कब से शुरू होगा? ये प्लान 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। सारे बीमा कंपनियों को 1 दिसंबर 2020 तक इस प्रोडक्ट को IRDA से स्वीकृति प्राप्त करवा लेनी होगी। जो बीमा कंपनी 1 जनवरी 2021 से पहले इस प्रोडक्ट को लाना चाहती हैं तो वो भी ला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सरल जीवन बीमा, एक टर्म इंश्योरेंस जो बहुत जल्दी आने वाला है, साफ सुथरा प्लान, सबके लिए समझने में आसान। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जानकारी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, सभी से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।